मनपा द्वारा हॉकर्स तथा हाट ठेले वालों पर किए जाने वाले अन्याय को देखते हुए मावड़ा संगठन द्वारा सोमवार को नागपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिस दौरान मावड़ा संगठन के प्रमुख तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नागपुर शहर महाराष्ट्र की उपराजधानी है। मनपा द्वारा यहाँ पर हाट ठेले तथा हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया तथा उनसे कुछ रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम से लिए गए तथा उनको आश्वासन दिया गया कि हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे तथा आप पर अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मनपा नागपुर में 10 जोन है, इनमें से एक या दो जोन में हॉकर जोन करके जगह उपलब्ध कराई है, बाकी जगह कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई गई तथा इन गरीबों पर लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई होती है। भारत देश में पिछले 8 महीने से कोरोना नामक महामारी से पूरे देश की आर्थिक हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। कई घर बेघर हो गए हैं। जैसे तैसे करके लोग मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं। इस बीच मनपा को इन गरीब हॉकर्स पर अतिक्रमण की कार्रवाई की चिंता पड़ी है तथा यह लोग लगातार इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि मनपा के 10 जोन में अवैध बांधकाम के कई काम बचे हैं। उस और मनपा का ध्यान नहीं है क्योंकि वह बांधकाम पैसे वाले अमीर लोगों का है, ऐसा कहना मावड़ा संगठन के कार्यकर्ताओं का है। और इस स्थिति को देखते हुए मावड़ा संगठन के प्रमुख व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पहले तो हर हर महादेव, मैं विनोद कल्याणी, मावड़ा संगठन का नागपुर जिला प्रमुख। आज मावड़ा संगठन की तरफ से विदर्भ प्रमुख अमोल लोंदासे जी और हमारी ताई पूर्णिमा ताई बिलावे जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में और मेरे नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ जिला अधिकारी साहब से मिलने आए। नागपुर शहर में नागपुर महानगर पालिका द्वारा लगातार गरीब ठेले वालों और हॉकर्स पर कंटिन्यू लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसलिए हम सब देख रहे हैं कोरोना काल में पूरा देश आर्थिक तंगी से उलझ रहा है। इस बीच गरीब लोग अपनी मेहनत करके जैसे तैसे करके अपना रोजगार कर रहे हैं। इस बीच नागपुर महानगर पालिका द्वारा कंटिन्यू अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। मेरा बोलना है कि अभी ही क्यों अतिक्रमण विभाग को हॉकर्स पे कार्रवाई की सूझ रही है, जबकि कई ऐसे बिल्डर और कई ऐसे अवैध बांधकाम है जिनके 53-54 के अतिक्रमण के नोटिस निकलने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हल्दीराम जैसे बड़े प्रतिष्ठान के 9-9 बड़े रेस्टोरेंट होने के बावजूद उसके पास पार्किंग नहीं होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है और गरीबों पर ही कार्रवाई क्यों जा रही है। और हॉकर्स के ऊपर कई साल पहले इन्होंने हॉकर्स के रजिस्ट्रेशन के नाम पर 700-700 रुपये लिए गए, लेकिन उनकी जगह आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। क्यों? आज मैंने माहिती के अधिकार से कुछ जोनों की माहिती निकाली तो ये रकम करोड़ों रुपये में मानी जाती है। ये घोटाला नागपुर महानगर पालिका का होने के बावजूद भी नागपुर महानगर पालिका बोलती है कि हम लॉस में हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, आज मैंने जिलाधिकारी साहब से भी यही निवेदन किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और हॉकर्स के ऊपर और गरीबों पर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए और उनके ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई बंद की जाए। सर्वप्रथम हर हर महादेव। ये एक मावड़ा है आणि आज ज्या प्रकारे डिप्युटेशन अपन कलेक्टर साहबांना दिलेला आहे त्याचं कारण एकच आहे की नागपुरामध्ये मोठ्या मोठ्या जे प्रतिष्ठान आहे, मोठे मोठे जे रेस्टॉरंट आहे, त्यांच्यावर कारवाई न करता एक साधारण गोरगरीब ज्यांचे बिचाऱ्यांचे लॉकडाऊनमध्ये खाण्याचे वांदे झाले आहेत, सगळ्या गोष्टीचे प्रॉब्लेम झाले आहेत, त्यांच्याकडनं वसुली करूनसुद्धा त्यांना तिथे लावण्यासाठी जागा मिळत नाही आहे, त्यांच्याकडनं पैसे घेतलेले असूनसुद्धा त्यांना त्यांची जागा दिलेली नाही आहे। मग अशा गरिबांनी काय करावं हाच मुद्दा आपण आज कलेक्टर साहेबांकडे मांडलेला आहे आणि यामागे त्यांच्याकडनं पैसे घेतलेल्यामुळे हा मोठा घोटाळा आहे आणि अजून त्यांना जागा दिलेली नाही आहे। त्यासाठी आमची विनंती आहे कलेक्टर साहेबांकडे की त्यांनी या गोष्टीची चौकशी करावी आणि यासाठी आपण जर चौकशी केली नसल्यास आपण तीव्र आंदोलन करू। मावळा संघटनेतर्फे मी हे जाहीर करतो।